जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी, जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पर आपका मेडिकल चल रहा है और लगभग आपका मेडिकल भी यहाँ पर आधा खत्म भी हो चुका है। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाले, बहुत ही बड़ी खबरें इस वीडियो में देखने वाले, कौन से पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अनफिट हो रहे जी दोस्तों, और किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर रीमेडिकल है वो यहाँ पर क्लियर होने वाला, और कौन से अभ्यर्थियों का रीमेडिकल क्लियर नहीं होने वाला, सेकेंड लिस्ट वालों का क्या होगा, ये सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम प्रोवाइड करवाने वाले। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दे, और दोस्तों चैनल पे आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिगार्डिंग कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आती है किसी भी सेंटर से, कितने के जो दिल्ली की रिपोर्ट आते हैं मेडिकल की, वो भी हम दिल्ली आपके सामने लेके आते हैं। कोई भी अपडेट आते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर लेके आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की रिगार्डिंग हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के पास भी जरूर जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि वो कौन से बड़े पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी अनफिट हो रहे हैं। जी दोस्तों विद प्रूफ आपको जानकारी बताने वाले, जो जानकारी देगा वो अभ्यर्थी जो मेडिकल करा रहे वही आपको ये सारी जानकारी देने वाले। तो सबसे बड़े पॉइंट वाले जो पॉइंट है वो यहां हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये 17 तारीख की रिपोर्ट है जिसमें से 114 में से 171 अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए, जबकि 43 अभ्यर्थियों को आप मेडिकल ले रीमेडिकल के लिए भेज दिया गया है। तो सबसे बड़े पॉइंट कौन से, इन्होंने बताया कि सर सबसे ज़्यादा किस कौन से पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी अनफिट हो रहे। एक्सरे, जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना, एक्सरे में बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी अनफिट हो रहे। सिगरेट पीने वाले ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर कर दिए जाते हैं एक्सरे में। उसके बाद में आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ये बड़े पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं, क्योंकि खास तौर से इन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है मेडिकल में। नौकरी, अगर आपके नौकरी की प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, बड़े पॉइंट इन्हीं में बनते हैं सबसे ज़्यादा। स्टमरिंग की आपको प्रॉब्लम है तो भी आपको यहाँ पे बड़ा पॉइंट बन सकता है, और साथ में हार्ट बीट की आपको प्रॉब्लम है, आपका हाई एक्सटेंशन है, मतलब आपके शरीर में कंपन है या हार्ट बीट्स है, तो भी यहाँ पर आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पाइल्स। जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉइंट बन रहे हैं पाइल्स के। पाइल्स की अगर आपकी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकली अनफिट किया जाएगा 100%, क्योंकि अभी तक जितने भी अभ्यर्थी आए तो उनमें से आपके 2 से 3% मेडिकल अनफिट होने वालों में पाइल्स वाले ये अभ्यर्थी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये एक बड़ा पॉइंट होता है। खासतौर से मिलिट्री फोर्सेज में इन चीज़ों को बहुत गौर से देखा जाता है आपका पाइल्स, और कलर विजन अगर आपके है तो आपको रीमेडिकल के लिए भी नहीं भेजा जा रहा, आपको डायरेक्टली अनफिट किया जा रहा है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, तो इसमें किसी प्रकार का आपको समय नहीं दिया जाने वाला। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। इसमें यही सारे पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को मेडिकली रीमेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी जैसे टेटू है, टेटू में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को रीमेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे टेटू के जिनको रीमेडिकल के लिए भी नहीं भेजा जा रहा, उनको डायरेक्टली अनफिट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ खास जगह जो सेना की द्वारा देखा जाता है उस जगह पर अगर आपके टैटू मिल जाता है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रीमेडिकल का भी मौका यहां पे नहीं दिया जाता। खास तौर से दोस्तों अगर बात करें मेडिकल में कितने परसेंट अभ्यर्थी फिट हो रहे, तो एवरेज सभी सेंटरों का निकाले तो 45 से 50% अभ्यर्थी मेडिकली रेफर हो रहे। जी हाँ दोस्तों मेडिकली रेफर हो रहे। इस बार फाइनल मेडलिस्ट आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है, अगर आप मेडिकली फिट होते हो तो आपका पूरा चांसेस यहाँ पर बन जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैं बता देता हूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर ही अनफिट हो रहे। अब बात करते हैं सेकेंड लिस्ट वालों का क्या होगा। सेकेंड लिस्ट वालों की अगर बात करें तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो सेकेंड लिस्ट वालों का क्या होगा। जिन अभ्यर्थियों का पहले फिजिकल हो चुका है और फिजिकल के बाद में उनको बाहर कर दिया था एक बार कट ऑफ से, लेकिन फिर वैकेंसी बढ़ने के बाद में फिर आपकी कट ऑफ है वो कुछ नीचे चली गई, पहले थोड़ा हाई गई थी लेकिन वापस कम हो गई, अगर आप उस कट ऑफ में शामिल होते हो तो आपका 100% आपका मेडिकल होने वाला है। और कुछ स्टेट्स ऐसे जिनका अभी फिजिकल भी होगा, क्योंकि एसएससी ने साफ साफ नोटिस जारी करके बताया
बता दिया कि हम 1:10 के हिसाब से पास करने वाले हैं यहाँ पे फिजिकल में, मतलब बुलाने वाले, लेकिन पहले वैकेंसी आपकी 52,000 थी, अब वैकेंसी 60,000 के लगभग हो गई है। तो यहाँ पर इस रेशियो को देखते हुए फिर से अभ्यर्थियों को यहाँ पर फिजिकल करवाया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका फिजिकल हो चुका है और जिनका अब मेडिकल भी होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप कट ऑफ में शामिल होते हो तो आपका 100% यहाँ पे मेडिकल करवाया जाएगा। रीमेडिकल किनका क्लियर होने वाला है? तो दोस्तों रीमेडिकल उनका क्लियर होने वाला है जिनके बहुत छोटी प्रॉब्लम है और जो इलाज करा के आ जाएंगे उनका रीमेडिकल क्लियर हो जाएगा, अन्यथा आपका रीमेडिकल क्लियर यहाँ पे नहीं होने वाला है। दोस्तों रीमेडिकल जब से स्टार्ट होगा और रीमेडिकल से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ में अगर जुड़े नहीं हो तो अभी तक जुड़ जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही में कोई इन्फॉर्मेशन आए हमारे पास में हम सबसे पहले आपके सामने लेके आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।